मैं अशोक तंवर जी ने एक बात कही थी, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दो। इन्होंने कहा था भाई यहीं से दी आवृत्ति कर लेना या आधे दिन के लिए चले जाना, मैं कह रहा हूँ यही बुला लेना अपने पास, ताकत डबल रखनी चाहिए। मैं अपनी को लेके आया हूं। आम आदमी पार्टी ये आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है, पूरे देश के अंदर व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रही है। 75 साल बीत चुके हैं इस देश के अंदर, ना रोजगार है, ना किसान की व्यवस्था ठीक हुई, ना व्यापारी खुल के काम कर सकता है, ना अच्छे उद्योग लगा सकता है, ना ही मजदूर को मजदूरी मिल पा रही है। हमारे साथ में आजाद हुए मुल्क जो विकसित मुल्क है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव करने जाता है, यूरोप का किसान मस्ती कार में जाता है, मेरे देश में बढ़िया जूते भी पैर में पहनने के लिए नहीं होते, सुबह 4 बजे पानी का अवसर आता है। पढ़ लिख के बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मैं आदमपुर की बात करूं, किसान बहुल पर असेंबली है ये, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां के किसानों को कभी आतंकवादी कहता है तो कभी खालिस्तानी कहता है। 750 से ऊपर किसान शहादत देते हैं, बस है ना। ये सरकार आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। जब जब फसल का समय आता है तो कोई नई सुरसरी मनोहर लाल खट्टर छेड़ता है कि ले भाई फसल भीगने दो, बरसात में किसान का नुकसान होता तो होने दो। और हकीकत 4 दिन पहले तक कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दोनों बोला करते कि भाई इससे खराब मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में नहीं आया। कसम खा खा के कहा करते किसी को बात कर लेना, बीजेपी में विश्वास मत करना। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट व्यक्ति है और जो इनके विरोधी है उनके खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की जांच चलाती है, उनको खरीदती है। ये जांच आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पे, उपमुख्यमंत्री पे, हेल्थ मिनिस्टर पे, सब पे हुई। आज तक ना एक झुका, ना एक बिका, ना एक टूटा। और भाई इसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का मुकदमा हो गया। हाथ जोड़ के अपने गुनाह को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चला गया। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो और अपनी भ्रष्टाचार की चादर को ढकने के लिए अमेरिका भाग गया हो, जिस कैंडिडेट के मां बाप ने जमानत में अपने पासपोर्ट उसको अमेरिका भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर गिरवी रखे हो, वो क्षेत्र की जनता का भला नहीं कर सकता। मैं आदमपुर के लोगों से ये कहना चाहता हूं, आदमपुर में मर्द आदमी चाहिए जो बैठा रहे, खड़ा रहे। आदमपुर एक ऐसा क्षेत्र है पूरे देश के अंदर, यहां से
कृषि के पदार्थ सप्लाई होते रहे पुराने समय से, और यहां के अन्नदाता को अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री गाली दे और वो कैंडिडेट अपनी भाषा बदल के ये कहने लग जाए अब ये सबसे अच्छा हो गया, तो करनी और कथनी का असर आप यहां से देख सकते हो। दूसरी बात, स्टैंडर यहां पैदा हुआ, यहां पड़ा, यहां बड़ा हुआ और यहां के हर गांव में रूप जाता है। ना कुलदीप गया और भगवान ने तो आज तक देखे भी नहीं है, जाने के बाद दूर की बात है, वो तो भाई अमेरिका से आया, अमेरिका ही जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि लड़ाई विदेशी वर्सेस देसी की है, और दूसरी बात आ गई कांग्रेस की। कांग्रेस इस देश में जीतती नहीं, और जीतती है तो बिक जाती है और आपस में लड़ते रहते हैं। राहुल गांधी ने एक यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा, गोवा टूट के चला गया, एक हिस्सा उनका मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी, बिक गई बीजेपी की होगी, गोवा में सरकार बनी, बिक गई बीजेपी की होगी, मिजोरम में, मणिपुर में सरकार बनी, बिक गई बीजेपी की होगी, और यहां भी इनके एमएलए बार बार बिकते रहते हैं, बीजेपी के सांसद बनाते रहते हैं, जो खाली एमएलए की बोर्ड से बनना था, दो दफा ऐसा हो चुका है। अरे कुलदीप कितने पीछे लेके बिका है कांग्रेस का नाच करने में, मन नहीं मेरा। हाँ तो बीजेपी का सिस्टम यही है, पहले डराती है, ईडी भेजती है, सीबीआई भेजती है, फिर पैसे देती है, इसको भी डराया, कितने दिए तो इनके भीतर की बात है, ये बताऊंगे, जनता पूछेगी जरूर। आज आदमपुर सिर्फ आदमपुर का चुनाव नहीं है, ये हरियाणा का चुनाव है, पूरे हरियाणा का। अरविंद केजरीवाल जी आए थे, वो कह के गए थे कि आदमपुर गेट में है हरियाणा की विधानसभा बनने का, 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी आदमपुर से जीत के पहले। तो मैं आदमपुर के साथियों को हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि लड़ाई व्यवस्था बदलने की है, लड़ाई देसी और विदेशी की है, लड़ाई ईमानदार और बेईमान की है, ये लड़ाई अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल देने की है, 24 घंटे फ्री बिजली पानी देने की है, बच्चों को नौकरी देने की है, किसान की आय को बढ़ाने की है, महिला को सम्मान देने की है और देश को आगे बढ़ाने की है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की थी कि हम देश के 130 करोड़ लोगों से गठबंधन करके हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर वन राष्ट्र बनाएंगे। जाति को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, पार्टियों को छोड़ दो, सारे मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। आज आप सब, मैं कह रहा हूं आजादी की दूसरी लड़ाई को लड़ने के लिए, इस हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए, आने वाले बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम यहां आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हैं। मैं आदमपुर के लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने जिस भी गांव के अंदर हम गए उन्होंने पूरी इज्जत और सत्कार दी, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो देश बदलने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने नुमाइंदे स्टैंडर को जो दिया है, हम उसको पूरी इज्जत के साथ बढ़िया वोटों से जिता के भेजेंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं,
ये मेहनत के बस 20 दिन से कम बचे। एक एक भाई के पास जाके, एक एक बहन के पास जाके हमें उनको समझाना है, हमने उनको बताना है कि लड़ाई इस देश को बदलने की लड़ाई है और उसका रास्ता आदमपुर से खुलेगा। किसानों पर इतनी अत्याचार करने वाली पार्टी, व्यापारियों को डरा के रखने वाली पार्टी, युवाओं को बेरोजगार रखने वाली पार्टी, महिलाओं को पीछे धकेलने वाली पार्टी, जाति और धर्म के नाम पर बदमजगी फैलाने वाली पार्टी अगर यहां से जीतेगी तो पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा कि हरियाणा के लोग इंसाफ करना नहीं जानते, आदमपुर के लोगों ने इंसाफ नहीं किया। जो किसानों ने शहादत दी थी उस शहादत की कीमत अदा करनी है। हमने बता देना है कि इस देश के अंदर ऐसा जुर्म कोई करने वाली पार्टी होगी तो उसको आदमपुर से मुंह की खानी पड़ेगी और पूरे देश के अंदर मुंह की खानी पड़ेगी। आज जहां जहां भी पूरे देश के अंदर आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप के अंदर, मोदी के विकल्प के रूप के अंदर 2024 में लोग अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की ख्याल रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश के सरकारी स्कूल इतने बढ़िया होने चाहिए कि हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, हमारे बच्चे दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट बने, दुनिया से बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बने, मैनेजर बने, व्यापारी बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने और हिंदुस्तान नंबर 1 हो। यह हिंदुस्तान को नंबर 1 करने की लड़ाई है।